दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज का आपका लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है बिहार एलआरसी की तरफ से। तो क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल अपडेट में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही जॉब और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर है एक पेपर की कटिंग, यहाँ पर आपको हाईलाइट में करके बताया है, भूमि सुधार विभाग में 10,000 पदों पर नई प्रक्रिया से बहाली, फिर से जमा होंगे आवेदन। तो बिहार एलआरसी की तरफ से आप लोगों के लिए 10,000 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई थी और यहाँ पर पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट मेरिट बेस पर था, लेकिन अब यहाँ पर नियमावली में संशोधन किया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर रहेगा और एग्ज़ाम कराने की जिम्मेवारी यहाँ पर दी गई है बीसीसी को। और इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 से अधिक पदों की बहाली नई प्रक्रिया के तहत होगी। इन पदों के लिए पहले किए गए आवेदन अमान्य कर दिए गए हैं, इन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। विभाग ने बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियमावली 2019 में संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद इन पदों के चयन की जिम्मेवारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद को दे दी गई है। विभाग ने यह निर्णय फर्जी अंक एवं प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली की आशंका के चलते किया है। जांच के दौरान फर्जी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पर बहाल सैकड़ों लोग पकड़े गए थे। नियमावली में संशोधन के बाद पर्षद नए सिरे से आवेदन मंगाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर साक्षात्कार होगा। चयन में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक की प्रतीक्षा सूची का प्राविधान किया गया है। और आगे आपको बताया है, नियमावली में पद के साथ न्यूनतम योग्यता का भी निर्धारण किया गया है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीबीटेक एवं 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सामान्य अमीन के लिए किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई से सर्वेयर ट्रेड में 2 वर्षीय कोर्स का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए, यहाँ पर फ्रेशर्स इंजीनियर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। और आगे यहाँ पर आपको बताया है, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि सरकार के इस कदम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अधिक योग्य को सरकारी नौकरी में आने का मौका मिलेगा। तो जैसे इनकी तरफ से कोई लेटेस्ट अपडेट आता है हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।